सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोल्टो हॉस्पिटल के अंदर बेहोश पड़ा होता है क्योंकि उसका चक्र ड्रेन हो चुका होता है। तभी वहाँ पे इवा भी आता है एक बर्गर लेके, थंडर बर्गर वाला, और वो बोल्टो को बोलता है, बोल्टो अब तुम थंडर बर्गर खाने के लिए भी नहीं उठोगे, इतने ज्यादा भाव खाने लगे होगे तुम। तो डैंकी उसको बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि थंडर बर्गर के कारण उठ जाएगा, जबकि इसका सारा चक्र ड्रेन हो चुका है, ये बहुत ज्यादा थका हुआ, ये उठेगा नहीं। तो मेटल ली बोलता है, मैंने सुना है कि इसने बहुत बड़ा जुस्सू इस्तेमाल किया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण ये इतना ज्यादा थक चुका है। तो डैंकी बोलता है, हाँ मैंने भी सुना, मैंने सुना कि इसने वो मुजिनो गैंग के लीडर सोजो जी को अकेले ही हरा दिया, इसका जुस्सू काफी ज्यादा पावरफुल है। तो मेटल ली बोलता है, हाँ और मैंने सुना कि शारदा भी अपने डैड के साथ काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर रही है। तो युवा भी बोलता है, पूरी टीम सेवन हमसे आगे निकल चुकी है, हम लोग उनसे हार नहीं सकते, हम लोगों को भी ट्रेनिंग व्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो मेटल ली बोलता है, टीम सेवन से याद है, मिस्की के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मिस्की के साथ क्या हुआ, मिस्की तो यहाँ पे भी नहीं है। तो डैंकी बोलता है, तुम्हें पता नहीं अभी तक मिस्की अपने पेरेंट के हाउस पे है। तो मेटल ली बोलता है, उसके पेरेंट्स तो वही है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं युवा के मुंह पे अचानक से एक गुब्बारा आता है जिसके अंदर कैचअप होती है। तो ये बोलते हैं, सब कुछ क्या, किसने किया। तभी उसकी नजर एक बच्चे पे जाती है जो काफी ज्यादा शरारती होता है, बोलता है कि निंजा आर्ट कैचअप बॉम्ब जुस्सू, कैसा लगा मेरा जुस्सू। तो युवा को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, युवा उसको पकड़ने के लिए जाने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं डैंकी और मेटली दोनों जने उसको रोक लेते हैं। तभी एक नर्स भागती भागती आती है और बोलती है कि एक बच्चा आया था यहाँ पे जिसका नाम नाटू है, वो यहाँ पे भागते हुए गया है। तो मेटली युवा बोलता है, नाटू नाम था क्या उसका। तो नर्स माफी मांगती है, बोलती है मुझे लगता है आपके मुंह पे जो भी किया है वो नाटू ने किया होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नाटू वहाँ पे छुप जाता है, बोलता है अब मुझे कौन सा जुस्सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो पीछे से अचानक से युवा भी आ जाता है और उसको डराते हुए बोलता है कि अब तुम्हें सॉरी मांगनी पड़ेगी सारी नर्स से भी और मुझसे भी। और हम लोग देखते हैं वो फाइनली नर्स के हाथ में आ जाता है। तो नर्स उसको बोलती है, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें कोई भी स्नैक नहीं मिलेगा आज। तो मोनाटो बोलता है, अगली शरारत जब मैं करूंगा तो मैं किचन के अंदर अपना जूस इस्तेमाल करूंगा, तब मुझे स्नैक की भी कोई चिंता नहीं होगी। तो युवा बोलता है, तुम ये सब कुछ प्रैंक क्यों कर रहे हो नर्स के ऊपर, तुम्हें पता ना तुम उनको परेशान कर रहे हो, बाकी लोगों को भी परेशान कर रहे हो। तो नाटो बोलता है, मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं हूं, मैं शिनोबी बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। वैसे मुझे लगता है तुम भी शिनोबी हो, लेकिन ये तुम बहुत ज्यादा हल्के शिनोबी, मैं जैसा इमेजिन करता हूं शिनोबी को तुम उतने पावरफुल नहीं हो। तो डैंकी बोलता है, हाँ क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी गैनिन है, तुम शायद जोनिन या उससे ऊपर के लेवल के शिनोबीज को इमेजिन करते हो, लेकिन हम लोग भी यही एम करते हैं कि हम लोग कभी आगे जाके बढ़िया शिनोबी बने, तुम चिंता मत करो। तो नाटो बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम कभी वैसे शिनोबी बन पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम लोग डरने लग जाओगे। तो युवा बोलता है, बताओ क्या काम है ऐसा जिससे कि हम लोग डरेंगे, हम किसी काम से नहीं डरते, तुम एक बार बोल के तो देखो। तो नाटो बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तो एक काम करो, मेरी कलेक्शन में जो सबसे रेयरेस्ट कार्ड है तुम मुझे उसको ऑटोग्राफ ला के दिखाओ। तो युवा बोलता, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तो मेटली बोलता, अरे युवा तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हें तो बोला था ये तो बस हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो युवा बोलता, ठीक है बताओ तुम्हारा कौन सा कार्ड है, मैं ऑटोग्राफ ला दूंगा। तो हम लोग देखते हैं वो और कोई कार्ड नहीं होता बल्कि ओरोचिमारू का कार्ड होता है, और वो दोनों जैसे ही देखते हैं कि ओरोचिमारू का कार्ड है तो वो जैसे ही डर जाते हैं और वो लोग वहां से भागने लगते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों को एक अर्जेंट मिशन याद है, और वो झुपके से जाने लगते हैं। तो नाटो जोर से चिल्लाते हैं, बोलता कि मुझे फालतू में मैंने तुम लोगों को बताया, मुझे पता ही था कि तुम जैसे बच्चे शिनोबी किस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़े बड़े लोग इससे डरते हैं, तो तुम तो हो ही बच्चे, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर लिया। और हम लोग उन पर ताना मारने लगता है। तभी अचानक से नर्स आ जाते हैं, वगैरह से माफी मांगते हैं कि मैं माफी मांगती हूँ इसके लिए क्योंकि आखिरकार ये बहुत ज्यादा शरारती बच्चा है, इसकी कल एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होने वाली है, लेकिन ये सर्जरी करवाना नहीं चाहता क्योंकि इसको काफी ज्यादा डर लगता है सर्जरी से, इसलिए वो बार बार मना कर रहा है, तो हम लोग इसको करवा भी नहीं पा रहे सर्जरी। तो जब युवावे को ये सब कुछ पता चलता है तो वो फाइनली ठान लेता है कि मैं इसके लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए जाऊंगा। तो मेटली बोलता है, तुम पागल हो गए क्या, तुम शायद सोते रहते थे क्लास में इसलिए तुम जानते नहीं हो, लेकिन ओरोचिमारू बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। तो डैंकी उसको बताता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन ओरोचिमारू इंसानों की लाश के साथ एक्सपेरिमेंट किया करता था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, इसने तो एक बार हिडन लीफ विलेज पे अटैक भी कर दिया था जिसके कारण जो उस टाइम के जो काजुकागे थे उनको मार दिया था, और हमारे जो थर्ड होकागे थे हिरुजेन उनको भी मार दिया था इसने, ये मर्डरर है और ये ऐसा शिनोबी है जिसको हम लोग तो हरा ही नहीं पाएंगे, अगर उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हमारा जिंदा आना वापस मुश्किल है। तो युवा बोलते हैं, हम लोग उससे फाइट करने थोड़ी जा रहे हैं, तुम तो ऐसी बात करो जैसे मुझसे फाइट करने वाले, हम तो वहाँ पे ऑटोग्राफ लेने के लिए जा रहे हैं, और मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग मेरे साथ आओ, तुम्हें आना है तो आ जाओ, वैसे तो मैं अकेला जाने वाला हूँ। तो डैंकी बोलता है, तुम क्या चाहते हो कि तुम अकेले चले जाओ और हम लोग तुम्हें जाने दें, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो मेटली बोलता, फिर मैं अकेला क्यों रुकूं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और हम लोग उससे मिस्की के बारे में पूछ लेंगे। तो हम लोग देते हैं वो लोग जाने लगते हैं। तो युवा बोलता है, चलो मैं तुम लोगों को थंडर बर्गर खिलाऊंगा मेरी तरफ से क्योंकि तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो। वैसे जब हम लोग ओरोचिमारू के पास जा ही रहे हैं तो तुम्हें पता तो है ना ओरोचिमारू रहता कहाँ है, क्योंकि हम लोग देते हैं युवा को खुद ही नहीं पता होता ओरोचिमारू रहता कहाँ है। तो डैंकी उसको बताता है कि ओरोचिमारू जहाँ रहता है वो बिल्कुल टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसका किसी को भी पता नहीं है क्योंकि विलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओरोचिमारू को मारना चाहते हैं क्योंकि ओरोचिमारू ने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया विलेज के लोगों को। तो वो सारी जो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो ओकागे के ऑफिस के अंदर, हम लोगों को छुपके वहाँ पे घुसना पड़ेगा। और हम लोग वो लोग छुपके ओकागे के ऑफिस में आ जाते हैं और ऑफिस के अंदर सारे पेपर्स वगैरह चेक करने लग जाते हैं। तो युवा भी और मेटल ही गेट पे नजर रख रहा होता है और युवा भी कागजों के अंदर की किताबों के अंदर ढूंढ रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं डैंकी जब लैपटॉप पे ऑन करता है तो उसको ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाती हैं ओरोचिमारू के बारे में, और उनको पता चलता है कि उनको तो कुछ पता ही नहीं था, ओरोचिमारू ने और भी बहुत बड़े बड़े कांड किए होते हैं, उसने बहुत सारे क्राइम किए होते हैं, तो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो युवा बोलते, तुम लोग डरो मत, हम लोगों को और भी ज्यादा फन आने वाला है, मजा आने वाला है। और हम लोग देखते हैं वो फाइनली ओरोचिमारू के सीक्रेट हाइडआउट पर पहुंच ही जाते हैं, तो उनको पता होता है कि यहाँ पे यामाटो नजर रख रहा था। तो हम लोग देखते हैं अचानक से दूसरा शिनोबी आता और बोलता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं ओरोचिमारू के ऊपर सर्विलेंस रख रहा हूँ। तो वह बोलता है कि आप तो यामाटो ना चाहते यहाँ पे, तो बोलता है कि यामाटो जो है वो होकागे को रिपोर्ट देने के लिए गए हैं, वैसे तुम बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो।
तो युवावे बोलता है कि हम तो उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आए, तो वो शिनोबी चौंक जाता है और युवावे की कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है तुम पागल हो गए क्या, तुम सच में ये कह दो कि मजाक कर रहे हो, तुम बच्चों को यकीन है पता भी है कि ओरोचिमारु है कौन? तो डेंकी बोलता है दरअसल ये सब कुछ किसी आदमी की लाइफ और डेथ का सवाल है, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं जाने से, क्योंकि आजकल ओरोचिमारु के और हमारे रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन तुम बोलना मत ओरोचिमारु कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान है, मुझे तो उससे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर कोई मदद नहीं करने वाला, हाइड आउट के अंदर तुम्हारे साथ जो भी होता है वो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, मैं कोई भी मदद नहीं करूँगा। और हम लोग इतने फाइनली युवावे मेटली और डेंकी हाइड आउट के अंदर घुस जाते हैं, तो युवावे बोलता है अभी तक तो कुछ भी अजीब हुआ नहीं है, मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा डरावना होगा, लेकिन ये तो नॉर्मल सा हाइड आउट है, लैब है नॉर्मल सा। तभी उन लोगों को बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है इंसानों की, तो युवावे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है तुम लोग डरो मत, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सी लैब है। और हम लोग इतने जैसे ही वो लैब के अंदर घुसते हैं तो वो बहुत सारे ट्यूब्स वगैरह देखते हैं, तो वो देखते हैं कि यहीं पर कहीं इंसानों पर एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा है। तभी उनकी नज़र एक इंसान पर जाती है जो कि पानी के अंदर लेटा हुआ होता है, और वो इंसान और कोई नहीं होता बल्कि स्विगेस्ट होता है, वो अचानक से उठ जाता है उनके आने के कारण। तो बोलता है तुम लोग लीफ विलेज के शिनोबी हो? तो ये बोलता हाँ है, तो क्या हुआ? तो सुयत्सु बोलता है ये यामाटो भी ना किसी को भी अंदर आने देता, तुम्हारे उसके चक्कर में मेरा काम बढ़ जाता है। तो मेटली डर जाता है कि कहीं हमें ठिकाने तो नहीं लगाने वाला। तो मेटली बोलता है हम लोग ओरोचिमारु से मिलने के लिए आए। तो सुयत्सु बोलता है ओरोचिमारु काफ़ी ज़्यादा बिजी है, उनके पास तुम्हारे लिए मिलने के लिए टाइम नहीं है, तो प्लीज़ घर चले जाओ वापस। तो तुम लोग देते हैं यहाँ पे युवा भी अपना हथियार निकाल लेते और बोलता तुम चुपचाप हमें ओरोचिमारु के पास लेके जा रहे हो या फिर नहीं? तो सुयत्सु बोलते एक तो तुमने मेरी नींद खराब कर दी, मुझे जगा दी, और तुम ऊपर से मुझे डरा रहे हो। और हम लोग इतने युवा भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सुयत्सु उसके अटैक को हटा देता है, और हम लोग इतने युवा की जो रोड होती है वो वायरिंग के अंदर जाके घुस जाती है। तो भी मेटली भी सुयत्सु पर अटैक कर देता है, लेकिन सुयत्सु उसके अटैक से बच जाता है, अपने आप को पानी में तब्दील करके। फिर वो हंसते हुए बोलता है तुम अब तो पता चल चुका होगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे, तो प्लीज़ यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो डेंकी युवावे को बोलता है युवावे हम लोग अपने ब्रेन की पावर को इस्तेमाल किए बिना इसको हरा नहीं पाएंगे। तभी डेंकी की नज़र पड़ती है उस शॉर्ट सर्किट पे जो कि उस युवावे की रोड के कारण हो चुका होता है, और इसी पे नज़र पड़ती है सुयत्सु की। तो सुयत्सु बोलता है तुम्हारे चक्कर में एक्सपेरिमेंट की सारी मशीन खराब हो गई है, मुझे सब कुछ सही करना पड़ेगा ओरोचिमारु के आने से पहले, वरना वो मेरी खलास ले लेगा, तो तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, प्लीज़ बच्चों जल्दी से यहाँ से निकलो। तभी हम लोग इतने डेंकी बोलता है हमारे पास यही चांस है, हम लोगों को अपनी फॉर्मेशन जेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम लोग इतने डेंकी और मेटली दोनों सॉरी युवावे और मेटली दोनों जने उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी डेंकी इस्तेमाल करता है अपनी ब्रेन का, और हम लोग सुयत्सु को फाइनली वो इलेक्ट्रिसिटी का झटका दे देता है, जिसके कारण सुयत्सु थोड़ी देर के लिए वहां पे बैठ जाता है। तो डेंकी बोलता है मुझे पता था इसकी बॉडी लिक्विड से बनी है, तो इसके कारण इसको कंडक्टर काफी ज्यादा अच्छा है हमारे मुकाबले। तभी हम लोग इतने सुयत्सु अचानक से खड़ा हो जाता है, बोलता है तुम्हें पता है मेरे को कितना दर्द हुआ सिर्फ छुई के चुभने बराबर, लेकिन अब तुम्हें पता है कितना दर्द होगा, दो तीन हड्डियां टूटने जितना, क्योंकि मैं तुम्हारी तोड़ने वाला हूं। तभी हम लोग वहां पे एक आवाज आती है कि तुम लोग मेरा रूम गंदा कर दोगे अगर हड्डियां वड्डियां तोड़ोगे तो लोग देखते हैं कौन है। तभी हम लोग वहां पे और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारु खुद आ चुका होता है, और बोलता है कि तुम बच्चों की हिम्मत की दांत नहीं पड़ेगी, तुम लोग मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आए हो, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आए हो तो बताओ क्या काम है, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। तुम लोग इतनी वावे डेंकी को मेटली को बोलते हैं मेटली तुम बताओ, और मेटली डेंकी बोलते हैं डेंकी तुम बताओ, और वो लोग बता ही नहीं पाते। तो ओरोचिमारु बोलता है तुम लोग इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए आए हो तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम तो होगा, जल्दी से बताओ। तो युवावे वगैरह काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो युवावे डरते हुए बोलता है प्लीज़ हम लोगों को आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो ओरोचिमारु उन पे हंसने लगता है, बोलता है ऑटोग्राफ के लिए आप है, और ओरोचिमारु उनको ऑटोग्राफ देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जाते जाते मेटली डेंकी युवावे उसको थैंक यू बोलते हैं कि आप लोग आपने हमारी जान बचा ली, थैंक यू सो मच। तभी हम लोग होते हैं मेटली को अचानक से याद आता है और बोलता है कि मिस्की कैसा है, हम लोग मिस्की के बारे में भी जानने आए थे, मिस्की हमारा दोस्त है। तो ओरोचिमारु बोलता है कि मिस्की की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि वो जरूर ठीक हो जाएगा। और हम लोग तो ओरोचिमारु वहाँ से निकल जाता है, और रस्ते में हंसते हुए सोचता है कि बोरुटो के अलावा उसने भी काफ़ी सारे दोस्त बनाए हैं ना। तभी हम लोग देखते हैं युवावे डेंकी और मेटली जब नाटो के कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं नाटो ने वहाँ पे तबाही मचा रखी होती है, वहाँ से भाग चुका होता है। वो नर्स बता दे वो छत पे, और वो बार बार सर्जरी के लिए मना कर रहा है। तो जब युवावे वगैरह छत पे जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो अब वो युवावे के ऊपर दोबारा से वो गुब्बारा फेंक देता है। तभी हम लोग देखते हैं उसको वो ऑटोग्राफ वाला कार्ड दे देता, बोलता है हमने देखो तुम्हारे लिए साइन करवा लिया। तो बोलता तुमने सच में मेरे लिए साइन करवा लिया, तुम डरे नहीं थे बिल्कुल भी ओरोचिमारु से? ओरोचिमारु तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है ना। तो युवावे बोलता अगर मैं तुम्हें बोलूँ हमें लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा तो वो झूठ होगा, क्योंकि मैं काफ़ी डर चुका था, लेकिन हमने जब उससे ऑटोग्राफ पे साइन करवा लिया तो उन लोगों को पता चला कि वो आखिरकार इतना डरावना भी नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, लेकिन जब वो पूरी हो जाती है तब उन लोगों को पता चलता है वो इतनी डरावनी भी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने बोल्टो को भी होश आ जाता है, तो उसको याद आ जाता है कि वो कैसे शोजूसी से लड़ा था और जिसके कारण उसकी हालत ये सब कुछ हुई थी। तो बोल्टो अपने हाथ की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरा हाथ अब तो ठीक हो चुका है। तो काकाशी उसको बोलता है तुम्हारा जो जुस्सू था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसने तुम्हारे हाथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज करी है, तुम्हारा हाथ जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उस जुस्सू का, तो तुम उस रासिंगान को मैं तो बोलना चाहूँगा ऑर्डर देता हूँ कि तुम उस रासिंगान को बार बार यूज़ ना करो बिना कोई ज़बरदस्ती। और हम लोग इतने बोरुटो को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो वो नीचे जैसे पहुँचता है वो देखता है शारदा उससे मिलने के लिए आई होती है। तो बोरुटो बोलता है ओहो तुम तो मुझसे मिलने के लिए आई हो, सो नाइस ऑफ यू शारदा, मैंने तुम्हारी ये नाइस साइड कभी देखी नहीं थी। तो शारदा उसको बोलते चलो ये सब कुछ छोड़ो, वैसे मैंने सुना कि तुमने एक स्पेशल जुस्सू बनाया था, उस जुस्सू के बारे में कुछ बताओ। तो बोरुटो बोलता क्या ही फायदा उस जुत्सु का, काकाशी सेंसेई ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने बोला कि मैं उस जुत्सु को यूज़ नहीं कर सकता बिना कोई जरूरी काम के, वैसे मैंने सुना कि तुम भी मिस्टर सास्के के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर रही थी। तो शारदा बोलती हाँ मेरी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, क्योंकि मॉम और डैड दोनों मुझे ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं अभी उस ट्रेनिंग को कर रही हूँ।
तभी बोल्टो अपनी जेब में से एक रिंग निकालता और बोलता है कि मिस्टर अनातो की रिंग है जो कि उनके नेकलेस से गिरी थी और मैंने उठाई थी, हम मैं उसको वापस नहीं कर पाया। तो सारदा बोलती है हाँ हम लोगों को चांस ही नहीं मिला उनको वापस करने का। तो बोल्टो बोलता है मैंने ठान लिया कि मैं मिस मिया को वापस दे के आऊँगा और मैंने डैड से परमिशन भी ले ली तो मैं जा रहा हूँ वहीं पर, तो मेरे साथ चलोगी? तो सारदा बोलती है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी क्योंकि मुझे भी जानना है कि मिस्टर अनातो के साथ हुआ गया। वैसे कोनामारूसेन से भी वहाँ पे वो मिशन पे गए तो वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। भाई दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि कोनामारू और मुजिनो अभी भी विक्टर की लैब में होते हैं, उनको मिशन मिला होता है विक्टर की लैब को देखने का तो वो वहीं पे होते हैं। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पे अचानक से डीप आ जाता है जो कि गेट वेट तोड़ के अंदर घुसता है, उसकी यही आदत होती है यही स्टाइल होता है। तो विक्टर बोलता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसी एंट्री मत मारा को तुम पे लोगों को शक हो जाएगा, वैसे मैंने तुम्हें पपेट के लिए भेजा था, वो पपेट कहाँ पे है, तुमने एक काम तो किया होगा ना ढंग से। तो डीप आते बोलता है ये तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है? नहीं है, मैं नहीं लेके आया पपेट तुम्हारी, खुश हो जाओ। तो विक्टर बोलता है वैसे ही मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि लैंड ऑफ वैली का जो फ्यूडल लोड है वो यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आने वाला है, तो तुम मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो डीपा बोलता है कि तुमने बोला था ना सारी बड़ी दिक्कतों का सामना तुम खुद ही कर लोगे, तो मुझे ये सब कुछ मत बताओ, मुझे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताओ। तो विक्टर बोलता है एक्सपेरिमेंट के हम लोग फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं, तुम चिंता मत करो। तो डीपा बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उस चीज़ से मतलब है जो मुझे तुम फ्रूट देने वाले हो पका हुआ। तुम लोग देखते हैं मुजिनो और कोनमारो ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और कोनमारो बोलता है इनका एक्सपेरिमेंट फाइनल स्टेज तक पहुंच गया, हम लोगों को इनको रोकना होगा, हम लोगों को इनका प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ने से पहले रोकना होगा जब तक हम लोगों को पता नहीं चल जाता कि ये किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। तो मुजिनो बोलता फिर हम लोगों को इस फ्यूडल लोड के इंस्पेक्शन का फायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।